स्किल्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमने पहले भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं और संविधान में इन्हें कहाँ रखा गया है। तो आज जो हम इसका वर्णन करेंगे वो हम पूरा ही इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार में किन किन अनुच्छेदों को रखा जाता है, ठीक है, और हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारा, जैसे कि आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और जो पहले थे हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त हैं। और जो पहला अधिकार है हमारा वो क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। तो इसे जो रखा गया है वो रखा गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, किसमें रखा गया है, 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या है, पहला हमारा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, किसको रखा गया है, कानून के समक्ष समानता। कि कानून के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को क्या है, समान अधिकार प्राप्त हैं। अगर वो कोई भी बात को लेकर जाएंगे कानून के पास तो उसको क्या है, समान दृष्टि से देखेंगे। तो इसको हमने किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 14 में। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव में भेदभाव का निषेध। ठीक है, इसको रखा गया है अनुच्छेद 15 में। किस पर रखा गया है, अनुच्छेद 15 में। तीसरा है हमारा का नंबर, जो किस में रखा गया है, सरकारी पदों की प्राप्ति में समानता। ठीक है, सरकारी पदों की प्राप्ति में समानता, इसको रखा गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, इसके बाद खा नंबर क्या है हमारा, अस्पर्शता। अस्पर्शता का, ठीक है, इसी किस्म रखा गया है अनुच्छेद 17 में। इसके बाद उपाधियों का अंत। ठीक है, जो हमारी उपाधियां होती हैं, जो हमें उपाधियां मिली जाती हैं उसका हम अंत किस्म करते हैं, इसको रखा गया है संविधान के अनुच्छेद 18 में। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 18 में। तो ये है समानता के अंतर्गत। ठीक है, समानता के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से अधिकार। तो समानता के अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखे गए हैं। और पहला इसके अंतर्गत है कानून के समक्ष समानता, फिर है धर्म, जाति, लिंग, जन्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध। कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर है गा नंबर, सरकारी पदों की प्राप्ति में समानता। अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, भारत का जो नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसका क्या है कि जो संविधान के अनुसार क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को सरकारी पद मिल रहा है तो उसके अंतर्गत जो भी इसकी बातें हैं, जो भी इसके अंदर जो नियम रखे गए हैं, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक क्या है, सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्या है, समान होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है अस्पर्शता का निषेध। ठीक है, घा नंबर जो हमारा कहता है समानता के अंतर्गत कि अस्पर्शता का निषेध किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 17 में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यू टेट हो गया, सी टेट हो गया हमारा, ये अदर स्टेट के जो भी क्वेश्चन होते हैं, या हम कोई भी पेपर देते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत का हो गया या वन दरोगा की भर्ती जो आती है, आपने देखी होंगे किसी भी कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। इसीलिए हमें क्या है कि इनका सभी का क्या करना चाहिए, विस्तार से इसको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से अनुच्छेद में किसको रखा गया है। फिर है आखिरी 5वां नंबर क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अगर हमें उपाधियों का अंत पढ़ा जाएगा
तो हम किसमें पढ़ेंगे, अनुच्छेद 18 में। किसमें पढ़ेंगे, अनुच्छेद 18 में ये बात की गई है। किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 18 में, ठीक है।